हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ। फ्रेंड्स आज हम जाने वाले हमारे खेत की जो बागर करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो लकड़ी वगैरह रखी है इस तरह से, इसको यहाँ पर जो बम्पा बोलते हैं इसको इस तरह से सीधा गाड़ते हैं फ्रेंड्स। और इसको गाड़ने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास सब्बल है इस तरह का, और इससे गड्ढा खोदने में काम आता है ये। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास इसको प्लास बोलते हैं, इससे तार जो है खींचने में काम आता है। और चीज़ें हमारे पास ये हथौड़ी, इससे कील टोकने में काम आती है। उसके बाद ये है हमारी जुगाड़ कुड़ाड़ा, इससे क्या होता है अभी चलिए दिखाते हैं आपको। इधर आइए, ये है जो काटने का काम आता है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से इससे कट चुका है। तो ये हमारे सारे औजार, चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको किस तरह से बागर करके। चलिए इसको हम फटाफट से हमारे कंधे पर रख लेते हैं उठाकर, कुछ इस तरह से इसको एक को रख लिया, उसके बाद में इसको रख लिया। तो चलिए दिखाते हैं आपको आगे चलते। तो गाइस अभी हम यहाँ पे आधी दूर आ चुके हैं, यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं हमको वहाँ पे जाना है और वहाँ पे हमको जब बागर करनी है। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं खेत आ चुका है, और इस खेत में भी आज हमने जो चने उगाए हैं और इससे निकल के हमको वहाँ पर सामने जाना है। चलिए चलते हैं दिखाते हैं आपको। आ चुके हैं हम यहाँ पे, देख सकते हैं बागर है। अब हम इसको नीचे रख लेते हैं, भुजन लग चुका है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भुजन है इसमें। चलिए करते हैं बागर और दिखाते हैं आपको। वैसे आप देख सकते हैं आप तार है जो काफ़ी ढीले हो चुके हैं, इसको हमने पिछले सीज़न में जो टाइट किया था अभी बरसात होने की वजह से फिर से जो ये ढीले हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये आगे देखिए इसको, अभी ये जो खम्भे भी हल रहे हैं इसको हम टाइट करने वाले हैं। तो आप वीडियो का आनंद लीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए करते हैं इसको टाइट और उसके बाद दिखाते हैं आप। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने हमारे चाचा जी खड़े हैं और यहाँ पे उनके हाथ में अभी सब्बल है। तो अभी हम गड्ढा खोदने वाले हैं, आप देखिए यहाँ पे नीचे हम गड्ढा खोदेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गड्ढे खोदने के। पे आप देख सकते हैं हमारा आधा गड्ढा है जो कंप्लीट हो चुका है। देखिए आप, अब इसको हम और ऊंडा करने वाले हैं। तो आप देखिए इस गड्ढे को हम और ऊंडा क्यों करेंगे, को इसलिए यहाँ पे आप पीछे लकड़ी देख सकते हैं काफ़ी जो है ज़्यादा बड़ी होने की वजह से ये गड्ढा हम और ऊंडा करने वाले हैं। इतना ही रखेंगे तो क्या है उससे लकड़ी हमारी जो गिर सकती है, तो चलिए इसको और गहरा करते हैं।
देख सकते हैं हमारा गड्ढा है जो कंप्लीट हो चुका है, देखिए आप नीचे तक। तो चलिए ये गड्ढा कंप्लीट हो चुका है, अब इसमें खम्मा ला के गाड़ते हैं हम। खम्मा मतलब ये खम्मा, और खम्मा समझना, समझो आप। चलिए इसमें रखते हैं, देखते हैं कितना क्या होता है इसमें। देखा गाइस इतना है जो लंबा है, चलिए इसको गाड़ देते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो एकदम खम्मा फिट हो चुका है, अभी हम इसमें फंसाने वाले पत्थर, तो चलिए भाग लेके आते हैं हम। ए गिर मत जाना, चलिए ढूंढते हैं इस खेत में कहीं होगा। चलिए एक मिला, इधर पड़े हो। तो चलिए हम पत्थर मिल चुके हैं, अब इसमें हम डालते हैं कुछ इस तरह से। पास आइए, कुछ इस तरह से इसमें पत्थर डालने के बाद ये सब्बल होता है, इसको हम उल्टा कर लेते हैं इस तरफ से और इसको डालते हैं। तो फ्रेंड्स इसको धांसने से क्या होता है, जो ये होता है खम्मा वो मजबूत हो जाता है, अंडस लग जाती है। देखिए आप इस तरह से इसको धांसते हल्के, इसमें से ऊपर से मिट्टी डाल लेते हैं तो क्या होता है उससे अच्छी हो जाएगा ये मजबूत। चलिए मिट्टी डालते हैं इसमें। देखिए आप काफ़ी अच्छी तरह से जो मजबूत हो चुका है, और काफ़ी जोर लगाने से भी नहीं हिल रहा है। हम इसको हिला के देखने वाले हैं, हिलता है कि नहीं हिलता, कितना मजबूत है, चलिए दिखाता हूँ। गाइस काफ़ी मजबूत हो चुका है ये, और अभी हिल नहीं रहा है, ये काफ़ी मजबूत हो चुका है इसमें पत्थर धंसने की वजह से। तो चलिए नेक्स्ट गड्ढा खोदते और उसमें भी दूसरा है जो गाड़ते हैं। नहीं है, एक तो ये और एक ये, दोनों गिर चुके हैं। अब इसको हम दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार से गिरे। छोड़ दो इसको एक बार, देखा आप ये इस प्रकार से गिर चुके हैं ये उस एक खम्भे की वजह से। चलिए इनको सही करते हैं, क्या करें, आप सही करना पड़ेगा। हाँ प्रॉब्लम वोंड ऑफ कर दो यार, अब कहीं करना। चलो अब चलना पड़ेगा, दूसरा खम्भा काट रहा, चलो चलो एक दो बने सही कराना यार, अब देखो एकदम सबरों टूट के पड़ गयो, पूरी मेहनत को नाश हो गई। चलो अब दूसरा काट दो, चला उल्टा हूँ आप पूरा डोका ही था, देख लो हमारो यार यो। चलो अब चला। तो गाइस हमने इनको फिर से दोबारा से गाड़ दिए, गए थे हम दूसरे डंडे लेने के लिए पर मिले नहीं, तो इनको ही गाड़ दिया। अब मज़े तो आया नहीं पर ठीक ठाक है, जैसा है वैसा ठीक है। चलिए अब इसमें हम खील ठोक देते हैं, देखिए आप इसको इस तरह से इसमें खील ठोक ही देते हैं हम। रह जाइए अब देखिए, इस तरह से इसमें खेल ठुक चुकी है, तो ये देख जो तुम फिर पच भाई बीमारी यार, देख जो मजो नहीं आयो आ रू मारो आलो फिर पची भाई बीमारी यार, गलत आयो आ रू मजो नहीं आयो, देख जो फिर गाड़ो फिर हट रू यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी बागार जो कंप्लीट हो चुकी है। देखिए आप कितनी प्यारी लग रही है अब देखने में। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो एक कमेंट कर दीजिए, नहीं लग रही है तो फिर भी कमेंट करिए, कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए, कमेंट रुकना नहीं, कमेंट करना करना। तो हम जाने वाले हैं घर पर, तो अब इसको कैसे घुसाने से ये बड़ी समस्या है यार, इसको पार करते में इसमें घुसना पड़ता है नीचे, एक बीमारी कपड़े की और दिक्कत, कपड़े नहीं फट जाए तो इसमें आराम से इस तरह से इसमें निकलना पड़ता है। इससे यहाँ पे देख सकते हैं आप तो निकल तो चुके हैं, पेन और निकल लेते हैं आराम से। तो गाइस निकल चुके हैं हम उसमें से, और उसमें से निकलने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी हमको। उसमें एक दिक्कत रही थी कि कपड़े फट जाते हैं, कपड़े पहले हमारे एक शर्ट फट गई थी उसमें तार की वजह से, तो अभी हम सेफ्टी निकल चुके हैं। तो ओके गाइस यहीं पे हम हमारा ब्लॉग जो है समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।
अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे भेज चराने जाना है। बाय।